स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल फिल्मी मेमोरीज में। आज के वीडियो में बॉलीवुड के फेमस एक्टर असरानी, जिन्हें कॉमेडी किंग के नाम से भी जाना जाता है, इनका रियल नेम गोवर्धन असरानी है, इनके फिल्मी करियर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उम्मीद हमारी कोशिश आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इनकी एक्टिंग की टॉप मूवीज रही हैं शोले, जो कि ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई, चला मुरारी हीरो बनने इनकी सुपर हिट मूवी साबित हुई, निकाह इनकी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई, इनकी सबसे पहली डेब्यू मूवी आई थी 1969 में उजाला, ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी 1966 में आई थी असरानी की हम कहाँ जा रहे हैं, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में हरे कांच की चूड़ियाँ, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर व्यूवर्स एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1969 में जिसका नाम था सत्यकाम, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली मूवी 1970 में आई थी जिसका नाम था उमंग, इस मूवी को व्यूवर्स बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था पुष्पांजलि, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी 1971 में आई थी जिसका नाम था गुड्डी, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी मेरे अपने, इस मूवी को व्यूवर्स बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी मेम साहब, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था बनफूल, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। अगली मूवी 1972 में आई थी पिया का घर, इस मूवी को व्यूअर्स बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था बावर्ची, ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था परिचय, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था सीता और गीता, इस मूवी को सुपर हिट करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था कोशिश, ये मूवी एवरेज साबित हुई। अगली मूवी असरानी की इसी साल में आई थी रास्ते का पत्थर, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था सबसे बड़ा सुख, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था ये गुलिस्तां हमारा, इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था शोर, ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था शादी के बाद, इस मूवी को एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी 1973 में आई थी अनहोनी, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था अभिमान, इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी नमक राम, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था शरीफ बदमाश, इस मूवी को हिट करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी असरानी की छलिया, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था अनामिका, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था अग्निरेखा, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी अचानक, ये मूवी बॉक्स ऑफिस फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी आज की ताज़ा खबर, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1974 में चोर मचाए शोर, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था आपकी कसम, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी 1974 में आई थी प्रेमनगर, ये मूवी बॉक्स ऑफिस एवरेज साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था पाप और पुण्य, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस डिजास्टर करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी त्रिमूर्ति, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था अजनबी, इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी विदाई, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था रोटी, इस मूवी को एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था पैसे की गुड़िया, इस मूवी को एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था हमशक्ल, ये मूवी हिट साबित हुई। अगली मूवी असरानी की इसी साल में आई थी दुनिया का मेला, ये मूवी फ्लॉप रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी चरित्रहीन, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी 1975 में आई थी असरानी की अपने रंग हज़ार, इस मूवी को एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था रफू चक्कर, ये मूवी बॉक्स ऑफिस फ्लॉप साबित हुई।
अगली मूवी आई थी इसी साल में, जिसका नाम था चुपके चुपके। इस मूवी को सुपरहिट करार दिया गया। ये कॉमेडी ड्रामा मूवी थी। अगली मूवी इसी साल में आई थी खुशबू। ये मूवी डिजास्टर साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था आक्रमण। इस मूवी को सेमी हिट करार दिया गया। असरानी जी की अगली मूवी आई थी इसी साल में मिली। ये मूवी हिट साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था शोले। इस मूवी को ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर करार दिया गया। असरानी जी की अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था चैताली। ये मूवी एवरेज साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी उमर कैद। ये मूवी एवरेज साबित हुई। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था उलझन। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में सुनहरा संसार। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी असरानी की इसी साल में आई थी राजा। ये मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी मजाक। इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था छोटी सी बात 1976 में। इस मूवी को एवरेज करार दिया गया। असरानी जी की अगली मूवी 1976 में ही आई थी भंवर। ये मूवी डिजास्टर साबित हुई। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था चरस। ये मूवी एवरेज साबित हुई। अगली मूवी आई थी इसी साल में महबूबा। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था फकीरा। ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था हेरा फेरी। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था उधार का सिंदूर। इस मूवी को हिट करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था लैला मजनू 1976 में आई। ये मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी तपस्या। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था भला मानस। मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी बारूद। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी आप बीती। ये मूवी एवरेज साबित हुई। अगली मूवी 1977 में आई थी हंटर वाली 77। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1977 में चला मुरारी हीरो बनने। इस मूवी को इस वर्ष बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1976 में लैला मजनू। ये मूवी बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर साबित हुई। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था तपस्या। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी भला मानुस। ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी आई थी इसी साल में बारूद। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। अगली मूवी आई थी 1976 में जिसका नाम था आप बीती। इस मूवी को एवरेज करार दिया गया। अगली 1977 में आई थी हंटर वाली 77। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी आई थी जिसका नाम था ड्रीम गर्ल। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में खून पसीना। ये मूवी हिट साबित हुई। अगली मूवी आई थी इसी साल में आला। इस मूवी को हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में करम। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था हीरा और पत्थर। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी कोतवाल साहब। ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी आई थी इसी साल में आपकी खातिर। ये मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था चलता पुर्जा। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी पलकों की छांव में। इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी साहिब बहादुर। ये मूवी एवरेज साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था कसम खून की। इस मूवी को हिट करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी कलाबाज। ये मूवी सेमी हिट साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी जागृति। इस मूवी को एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी दुनियादारी। ये मूवी सेमी हिट साबित हुई। अगली मूवी आई थी इसी साल में चोर सिपाही। इस मूवी को सुपर हिट करार दिया गया। अगली मूवी असरानी की इसी साल में आई थी चांदी सोना। ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी चक्कर पर चक्कर। ये मूवी बॉक्स ऑफिस एवरेज साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी अनुरोध। इस मूवी को एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी असरानी की इसी साल में अब क्या होगा। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली मूवी 1978 में आई थी असरानी की घर। इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था फांसी। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली मूवी असरानी की आई थी इसी साल में जिसका नाम था बदलते रिश्ते। ये मूवी हिट साबित हुई। अगली मूवी आई थी 1978 में पल दो पल का साथ। ये मूवी सेमी हिट साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। इस मूवी को एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी असरानी की इसी साल में जिसका नाम था प्रियतमा। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था हीरा लाल पन्ना लाल।
ये मूवी सेमी हिट साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था दिल लगी, ये मूवी सुपर हिट साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था डाकू और जवान, ये मूवी हिट साबित हुई। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था चमत्कार, ये मूवी हिट साबित हुई। अगली 1979 में आई थी असरानी की दो लड़के दोनों कड़के, ये मूवी एवरेज साबित हुई। अगली मूवी आई थी 1979 में सरगम, इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1979 में जिसका नाम था हमारे तुम्हारे, ये मूवी हिट साबित हुई। अगली मूवी असरानी की 1979 में आई थी बातों बातों में, इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था ढोंगी, इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी असरानी की इसी साल में जुर्माना, ये मूवी फ्लॉप रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी नालायक, ये मूवी एवरेज रही। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था अहिंसा, इस मूवी को सेमी हिट करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था सलाम निमसा, ये मूवी हिट साबित हुई। अगली मूवी आई थी असरानी जी की इसी साल में जिसका नाम था लव इन कनाडा, ये मूवी फ्लॉप रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था जाने बहार, ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी आई थी असरानी की इसी साल में जिसका नाम था दो हवलदार, इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी असरानी की 1980 में जिसका नाम था देशद्रोही, इस मूवी को एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था टक्कर, ये मूवी हिट साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी एग्रीमेंट, इस मूवी को हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी असरानी की इसी साल में जिसका नाम था यह कैसा इंसाफ, ये मूवी सेमी हिट साबित हुई। अगली मूवी असरानी की इसी साल में आई थी स्वयंवर, इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था निशाना, ये मूवी फ्लॉप रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी गुनहगार, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी आई थी इसी साल में असरानी की बंदिश, इस मूवी को एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था आसपास, ये मूवी एवरेज साबित हुई। अगली मूवी आई थी असरानी की 1981 में एक दूजे के लिए, इस मूवी को यूवर्स बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी असरानी की इसी साल में मेरी आवाज़ सुनो, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी असरानी जी की इसी साल में एक ही भूल, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। व्यूअर्स असरानी जी की अगली मूवी आई थी इसी साल में आपस की बात, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी असरानी जी की 1981 में ही जिसका नाम था एक और 11, ये मूवी सुपर हिट साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था कहानी एक चोर की, इस मूवी को एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था जमाने को दिखाना है, ये मूवी फ्लॉप रही। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था कल हमारा है, ये मूवी डिजास्टर साबित हुई। अगली मूवी असरानी की आई थी 1982 में अपने पराये, ये मूवी बॉक्स ऑफिस फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी आई थी असरानी की 1982 में ही जिसका नाम था हमारी बहू अलका, ये मूवी एवरेज साबित हुई। अगली मूवी आई थी 1982 में प्यारा तराना, ये मूवी फ्लॉप रही। अगली 1982 में आई थी राजमहल, ये मूवी हिट साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था निकाह, इस मूवी को हिट करार दिया गया। अगली 1982 में आई थी कामचोर, ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली 1982 में आई थी जिसका नाम था सितम, इस मूवी को सेमी हिट करार दिया गया। अगली 1983 में आई थी जिसका नाम था हिम्मत वाला, इस मूवी को एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था अंधा कानून, ये मूवी हिट साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था जानी दोस्त, ये मूवी फ्लॉप रही। अगली मूवी आई थी इसी साल में जस्टिस चौधरी, ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था मुझे इंसाफ चाहिए, इस मूवी को हिट करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था मवाली, ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी असरानी की आई थी इसी साल में अगर तुम ना होते, ये मूवी सेमी हिट साबित हुई। अगली मूवी आई थी 1984 में घर एक मंदिर, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था मकसद, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था कैदी, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी नया कदम, ये मूवी बॉक्स ऑफिस एवरेज साबित हुई। अगली मूवी असरानी की इसी साल में आई थी जिसका नाम था झूठा सच, ये मूवी फ्लॉप रही। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था लव मैरिज, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी यह इश्क नहीं आसान, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था शरारा, ये मूवी हिट साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था मेरा फैसला, इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1985 में असरानी की होशियार,
ये मूवी एवरेज साबित हुई। अगली मूवी 1985 में आई थी प्यार झुकता नहीं, इस मूवी को सेमी हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1985 में सरफरोश, ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी असरानी की आई थी इसी साल में तवायफ, ये मूवी बॉक्स ऑफिस एवरेज साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी बलिदान, इस मूवी को हिट करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी यादों की कसम, ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था मास्टर जी, ये मूवी हिट साबित हुई। अगली मूवी 1985 में आई थी असरानी की मेरा घर मेरे बच्चे, ये मूवी फ्लॉप रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी आखिर क्यों, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी वफादार, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। अगली मूवी असरानी की आई थी इसी साल में जिसका नाम था सुरसंगम, इस मूवी को डिजास्टर करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था तेरी मेहरबानियाँ, ये मूवी सुपर हिट साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था संजोग, इस मूवी को एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी असरानी की इसी साल में आई थी देखा प्यार तुम्हारा, ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी मेरा साथी, ये मूवी एवरेज साबित हुई। अगली मूवी असरानी की इसी साल में आई थी जिसका नाम था हकीकत, ये मूवी सेमी हिट साबित हुई। अगली मूवी 1986 में आई थी असरानी की दिलवाला, ये मूवी सुपर हिट साबित हुई। अगली मूवी असरानी की आई थी इसी साल में जिसका नाम था स्वर्ग से सुंदर, इस मूवी को हिट करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी धर्म अधिकारी, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी मुद्दत, ये मूवी सेमी हिट साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी दोस्ती दुश्मनी, ये मूवी एवरेज साबित हुई। असरानी की अगली मूवी इसी साल में आई थी ऐसा प्यार कहाँ, ये मूवी एवरेज साबित हुई। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था खेल मोहब्बत का, इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी सुहागन, ये मूवी सेमी हिट साबित हुई। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था इंसाफ की आवाज़, इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी असरानी जी की आई थी इसी साल में आग और शोला, ये मूवी एवरेज साबित हुई। अगली मूवी आई थी 1987 में असरानी की माँ बाप, इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था तेरा कर्म मेरा धर्म, ये मूवी फ्लॉप रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी मजाल, इस मूवी को एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था सिंदूर, ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी हिम्मत और मेहनत, ये मूवी फ्लॉप रही। अगली मूवी असरानी की आई थी इसी साल में जिसका नाम था शेर ए शिवाजी, ये मूवी एवरेज रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी मर्द की जुबान, ये मूवी हिट साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी असरानी की जवाब हम देंगे, इस मूवी को एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी औलाद, ये मूवी हिट साबित हुई। अगली मूवी 1988 में असरानी की मुलजिम, ये मूवी सेमी हिट साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी शुक्रिया, ये मूवी फ्लॉप रही। अगली मूवी असरानी की आई थी इसी साल में जिसका नाम था घूंघट, ये मूवी बॉक्स ऑफिस फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी कमांडो, ये मूवी एवरेज साबित हुई। अगली मूवी असरानी की आई थी इसी साल में जिसका नाम था वक्त की आवाज़, इस मूवी को सेमी हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था बीवी हो तो ऐसी, ये मूवी सेमी हिट साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था गंगा तेरे देश में, इस मूवी को हिट करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी अग्नि, ये मूवी हिट साबित हुई। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था सोने पे सुहागा, ये मूवी एवरेज साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी मरमिटेंगे, ये मूवी सुपर हिट साबित हुई। अगली मूवी आई थी असरानी की 1989 में मजबूर, ये मूवी बॉक्स ऑफिस फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी आई थी असरानी की 1989 में गुरु, इस मूवी को हिट करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी रखवाला, ये मूवी हिट साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था कानून की आवाज़, ये मूवी एवरेज रही। अगली मूवी असरानी की आई थी इसी साल में जिसका नाम था जैसी करनी वैसी भरनी, ये मूवी एवरेज रही। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था नाइंसाफी, ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी असरानी की आई थी इसी साल में दोस्त, ये मूवी हिट साबित हुई। अगली मूवी असरानी की आई थी इसी 1989 में सिक्का, ये मूवी सेमी हिट साबित हुई। अगली 1990 में आई थी इज्जतदार, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस सुपर हिट करार दिया गया। असरानी की इसी साल मूवी आई थी आज का अर्जुन, ये मूवी हिट साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी प्यार का कर्ज, इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में 1990 में आई थी मुकद्दर का बादशाह, ये मूवी फ्लॉप रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी जवानी जिंदाबाद, इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी 1991 में आई थी कर्ज चुकाना है, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस एवरेज करार दिया गया।
अगली मूवी 1991 में आई थी प्रेम कैदी, इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी सपनों का मंदिर, ये मूवी सुपरहिट साबित हुई। अगली मूवी असरानी की आई थी इसी साल में, जिसका नाम था घर परिवार, इस मूवी को हिट करार दिया गया। अगली 1992 में आई थी जिसका नाम था कसक, ये मूवी एवरेज साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था इंतहा प्यार की, ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था जो जीता वही सिकंदर, ये मूवी हिट साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी जीना मरना तेरे संग, ये मूवी सुपर हिट साबित हुई। अगली मूवी 1993 में आई थी संग्राम, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था गर्दिश, ये मूवी एवरेज साबित हुई। अगली मूवी असरानी की इसी साल में आई थी आग का तूफान, इस मूवी को एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी 1993 में आई थी दिल तेरा आशिक, ये मूवी हिट साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी मुकाबला, इस मूवी को यूएस बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली मूवी 1995 में आई थी तकदीर वाला, इस मूवी को व्यूअर्स बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी 1998 में आई थी घरवाली बाहर वाली, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर व्यूअर्स फ्लॉप करार दिया गया। असरानी की अगली मूवी इसी साल में आई थी 1998 आई थी दूल्हे राजा, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। अगली मूवी आई थी 1998 में बड़े मियाँ छोटे मियाँ, इस मूवी को व्यूअर्स बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी हीरो हिंदुस्तानी, इस मूवी को यूएस बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी मेहंदी, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। तो व्यूवर्स, ये 1959 से 1998 तक असरानी जी की एक्टिंग बनने वाली मूवीज़ का बॉक्स ऑफिस एनालिसिस था। इनकी एक्टिंग में बनने वाली मूवीज़ में से कौन सी मूवी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, कौन सी मूवी आपकी फेवरेट मूवी रही, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और किस एक्टर या एक्ट्रेस या प्रोड्यूसर डायरेक्टर या फिर किस प्रकार का वीडियो आप देखना चाहते हैं, इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। व्यूअर्स, हम वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर फुल वीडियो वॉचिंग।